नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो अक्सर पूछा करते हैं हाउ टू मैनेज टाइम। आई एम वर्किंग कैंडिडेट, हाउ टू मैनेज टाइम, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। या बहुत सारे हैं, मैरिड हैं कुछ लोगों के घर पे ऐसा कुछ काम चल रहा है, या कुछ लोगों को पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ रहा है और परेशान होते हैं कि हाउ टू मैनेज टाइम। वी हैव मेनी थिंग्स टू डू और उसके बाद हमें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। आप मेरे कपड़े में देख रहे होंगे कि शर्ट में तो कभी वीडियो करता ही नहीं। अगर शर्ट में वीडियो आ रहा है, ऐसे वॉच पहन रखी है, मतलब ऑफिस से आया हूँ, जस्ट आया हूँ और अभी मैंने मुंह भी नहीं धुला। बाल भी जैसे थे वैसे हाथ से सही करे हैं मेट्रो में, वही। पहली चीज तो वर्किंग कैंडिडेट के लिए अगर कोई कमीशन पूरे भारत में नहीं, पूरे दुनिया में, आप युगांडा का भी पेपर देने जाओगे और आप वहां पे वर्किंग कैंडिडेट लिख दो, क्या आपके लिए कोई अलग पेपर आएगा? नहीं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपका कॉम्पिटिशन उनसे है जिनके पास 24 आवर्स है। आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं वो आपको बेटर पता होगा। आप मुझे सिंपल से प्रश्न का जवाब दे दो कि जब आपके पास 24 आवर्स होते थे तो क्या आप उन 24 आवर्स में पूरे 24 के 24 घंटे पढ़ते थे? एक बात बता दो, 23 घंटे पढ़ते थे, 22 घंटे पढ़ते थे, 20 घंटे पढ़ते थे, 18 घंटे पढ़ते थे, क्या 16 घंटे रेगुलरली पढ़ते थे? 10 घंटे का चलो छोड़ते हैं, ना आपका ना मेरा, 10 घंटे रेगुलरली पढ़ते थे? नहीं, आप तब भी 6-7 घंटे पढ़ते थे। और अगर अभी आपकी जॉब मान लो 12 घंटे की है, 1 घंटे जाने में 1 घंटे आने में 2 घंटे हो गए, 14 घंटे हो गए, आप 6 घंटे सो लो, 20 घंटे हो गए, आप 4 घंटे बचे। आपको नींद औरों के बराबर चाहिए, मैं कहता हूँ ठीक है चलो 6 घंटे सो लो, 4 घंटे ये। और ऑफिस में कितना भी आपको बॉर्डर पे ऐसे गन लेके लगा दिया गया होगा तो भी आपके ऑफिस में इतना टाइम खाने के टाइम, लंच टाइम, फलाना ढिमका के टाइम 1-1.5-2 घंटे आपको मिल जाएंगे। 4 घंटे ये, 2 घंटे वो, 6 घंटे आपके पास निकल सकते हैं। कोई पूरे दुनिया में एक्सक्यूज कोई भी दे ले, लेकिन 6 घंटे हर कोई अपनी लाइफ में निकाल सकता है। आपको फोन कट करना पड़ेगा, आपको सोशल एनिमल जो बने हो कि हर जगह फ्लेक्स करना है कि मेरे पास जॉब है, हर जगह जाना, हर रिश्तेदारी में जाना, हर रिश्ते को मजबूत करना, सारी चीजें करते हुए अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई भी मैनेज हो जाए तो कैसे हो पाएगी? अगर आपको लगता है कि आपके पास जॉब है इस वजह से आपके पास टाइम कम है, आप खुद सोचो जब आपके पास जॉब नहीं थी तब आपके पास क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी? क्या आपके पास घर का टेंशन नहीं था, उम्र नहीं था? क्या आपको लूजर बनने का डर नहीं था कि हो सकता है, मतलब सबके जो इवन आज यूपीएससी भी निकाल के रैंक वन भी है उसके मन में भी कभी ना कभी डाउट होता है कि यार पता नहीं मुझसे होगा या नहीं, मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब कोई सी ले पाऊंगा या नहीं? मेरे साथ तो था, मे भी कुछ के साथ ना होता हो, वो यूनिक हो, बट मेरे साथ था और मैं मानता हूं कि 90% के आप में से साथ ऐसा होता होगा। तो तब आपकी परिस्थितियां अलग थी, जब आपके पास जॉब नहीं होती तब परिस्थितियां अलग है। आपको अगर लगता है कि किसी के पास 24 आवर्स है और वो 24 आवर्स पढ़ता है तो एक बात बताओ, आप वही पिछला प्रश्न पे मैं फिर ले जाता हूँ कि जब आपके पास 24 आवर्स थे तो क्या आपकी समस्याएं नहीं थी, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं थी, आपको फैमिली के लिए नहीं सोचना पड़ता, आपको 1-1 रुपए के लिए नहीं सोचना पड़ता, आपको रिसोर्सेज के लिए नहीं सोचना पड़ता? माना आपके पेरेंट्स देते थे बट फिर भी सोचते थे। ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं तो हमारे पास जो टाइम होता था, मान लो 7 घंटे पढ़ते थे तो उसकी इफिशियंसी 4-5 घंटे आती थी, 10 घंटे पढ़ते थे 6-7 घंटे के बराबर इफिशियंसी आती थी। अभी आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो अब आउटपुट है वो बेटर निकलेगा। अगर आप आज 6 घंटे पढ़ोगे, आपके पास बेटर कॉन्फिडेंस है उनसे जिनसे एग्जाम नहीं निकला। आप जॉब में हो, आप जब एग्जाम देने जाते हो तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि मैं बेरोजगार नहीं, आई हैव जॉब। तो अगर आपके पास वो मेंटल प्रेशर नहीं है तो आपका आउटपुट बेटर होता है। मैं सिंपल सी बात बता दूं, जब मैं बेरोजगार था तब मैं जितना पढ़ता था उससे ज्यादा आज मेरे पास पढ़ने का टाइम होता है, और कई दिन ऐसे होते हैं जब मैं बेरोजगारी के दिनों से ज्यादा पढ़ता हूँ। मतलब फ्लेक्स नहीं कर रहा, मैं जॉब के साथ चैनल मैनेज करना, अपनी पढ़ाई, अपनी पर्सनल लाइफ, फलाना ढिमका अगर मैनेज कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? दूसरा मेरा सिंपल सा प्रश्न है, आप जिस जॉब में हो सेटिस्फाइड हो? अगर सेटिस्फाइड हो तो फिर तो आपको पढ़ने का आपको टाइम सर्च ही नहीं कर रहे हो। और अगर सेटिस्फाइड नहीं हो, बिग ड्रीम देखने के लिए किसने बोला था? किसका ड्रीम? अगर आपको IAS बनना है, CGL निकालना है, आप MTS हो, CHSL में, CGL में पोस्ट चेंज करना है, किसका ड्रीम है? आपका ड्रीम है आपको सैलरी मिलने वाली है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सोशल स्टेटस बढ़ेगा, उसके बाद में आपको लगता है कि कोई और आपके लिए आगे कर जाएगा। ड्रीम अगर आपका है, आपको जॉब पानी है, आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो मेहनत किसने करनी पड़ेगी? आपने। अब आपको लगता है रोहित बता देगा या कोई भी बता देगा कि हाउ टू मैनेज टाइम। माना कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन यार क्या लगता है आपको कि जो 24 घंटे या बेरोजगार है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? मैं कुछ प्रॉब्लम्स चंद गिनाए दे रहा हूँ ताकि आप अगर एकदम अनअवेयर हो तो पता चल जाए। उनकी लाइफ में शादी का प्रेशर हो सकता है कि जॉब अगर नहीं लगी, लड़कियों की लाइफ में अगर जॉब नहीं लगी शादी करवा दूंगा, 1 साल का तेरे पास समय है, जॉब नहीं लगी। अगर जॉब लग जाती है आप एटलीस्ट अपनी फैमिली के किसी डिसीजन पर रिस्क कर सकते हो ना कि नहीं अभी शादी नहीं करनी, लड़कियों के लिए खासकर। तो आपके पास ये है ना, आप 2 साल का आपको एक्स्ट्रा समय मिला ना, किस वजह से? आपके पास जॉब है। जिनके पास जॉब नहीं है उनको शादी का प्रेशर,
पैसे का प्रेशर, फैमिली इशूज। अब वो ये नहीं कह सकते मान लो फैमिली में लड़ाई शुरू हो गई, वो ये नहीं कर सकते ना फैमिली से जाके बाहर रहे, कैसे रहेंगे। मान लो फैमिली सपोर्ट करना बंद कर दी कि हम पैसे नहीं देंगे, माना कि पैसे के बगैर भी पढ़ाई हो सकती है, बट बहुत मुश्किल है, 1% लोग वो कर पाते हैं। आपकी फैमिली में मान लो लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपकी फैमिली में सारी चीज़ें नहीं सही चल रही, हेल्थ इशूज है किसी को, माँ की दवाई लानी है, माँ की दवाई का पैसा देना या कोचिंग की फी दोगे, आपको प्रायोरिटाइज करोगे कि माँ की दवाई हो जाए और उसके बाद आपकी फीस। अगर आपके पास जॉब हो गया एटलीस्ट अपनी जिम्मेदारी तो ले सकते हो, ना करो किसी के लिए, नहीं कर पा रहे हो ना करो, एटलीस्ट अपनी जिम्मेदारी अपना। ये तो है कि अगर कोई दिक्कत है तो आप थोड़ा मुंह बाहर लेके रूम लेके पढ़ सकते हो, अगर घर पे मान लो शादी आ गई, 1 महीने के लिए आपने बाहर रूम ले, आप बाहर निकल के पढ़ सकते हो। आपके पास वो लोग हैं जो सेलेक्ट होके आए हैं, आप उन उस इन्वायरमेंट में बैठते हो, और एक फेलियर स्टूडेंट किस इन्वायरमेंट में बैठते हो, उसको ताने सुने, आपको ताने सुनने पड़ते हैं। नहीं आप MTS भी होगे तो अब आपको कोई ताना नहीं सुनाता होगा कि कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, काहे की तैयारी कर, समझ रहे हो। आपके पास तमाम मोटिवेशनल सोर्सेस हैं, आपने खुद किया, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस है, क्या उस बच्चे का कॉन्फिडेंस वही रहेगा जो पहली बार एग्जाम देने जाएगा, जिसके पास जॉब नहीं है, जो बेरोजगार है? नहीं होगा, क्योंकि उसके पास हर बार खोने का डर। आपके पास तो एक जॉब है, बैकअप तो आपका है ना। और एक चीज और बताओ, सबसे ज्यादा प्रेशर SSC की या कोई भी नौकरी से सबसे ज्यादा प्रेशर आपने सुना होगा बैंक PO में होता है, और सबसे ज्यादा बैंक PO दूसरे एग्जाम निकाल के जाते, क्यों? मजबूरी। मजबूरी को अगर आपके पास मजबूरी है, मान लो आपके पास पैसे की कमी है, आपके पास समय की कमी है, आपको उस जॉब से निकलना है, तो मेहनत क्या करनी पड़ेगी? मेहनत, सिंपल सी बात है, आपको मेहनत करके ही निकल सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप UPSC के चेयरमैन हो कि नहीं भैया मैं चेयरमैन ऑलरेडी, मुझे क्या करना है ना। मैं या कोई भी नहीं बता सकता कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना, आपकी शादी हो रखी है, आपके बच्चे हैं, सारी चीजें मैनेज करना है, आपने ड्रीम देखा है पढ़ने के लिए, बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं, आपको कंपटीशन उनसे करना है जो जिनके पास ऐसी चीजें नहीं है। और एक चीज बताओ, आपको क्या लगता है अगर आप नहीं मैनेज करोगे तो वो पोस्ट खाली रह जाएगी? इस कट थ्रोट कंपटीशन में आप एक चीज ध्यान रखना कि आप नहीं मैनेज करोगे, कोई और वेट कर रहा है। चलो ठीक है, आपसे नहीं हो रहा ना, हाउ टू मैनेज टाइम जानना चाह रहे हो, कोई है जो मैनेज कर रहा है, वो निकाल देगा। आपके साथ आपके डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट पर रहते हुए कई लोग बहुत बड़ी पोस्ट पे गए होंगे या एग्जाम निकाल के गए होंगे, और आपको लगता है आपसे सर्च करें, लाओ यूट्यूब पे, लाओ किसी को मैसेज कर दे हाउ टू मैनेज टाइम। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर बिजनेस, तो अपना आराम से काम करो, पढ़ाई करो। डिले करने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, आप ये सोचने में 1 महीने गुजार दोगे, तब तक कोई ऐसा होगा जो उसी सिचुएशन से अपने आप को किसी तरह से आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे कछुए की रफ्तार से आगे निकल जाएगा। पढ़ने का सीधा फंडा है कि आपका एक बार कॉन्फिडेंस बन गया कि आप मुझे रिदम मिल गया, तो उसके बाद 4 घंटे भी पढ़ के आदमी आउटपुट बढ़िया निकाल लेता है। तो हमेशा पॉजिटिव साइड देखो, निगेटिव साइड देखने के लिए, दिखाने के लिए तो दुनिया है। इसी के साथ वीडियो को खत्म करता हूँ, और अगर आपको कोई ऐसा दोस्त है जो ऐसी जरूरत थी जिसको वीडियो की, तो शेयर कर देना। बाकी चैनल पर अपनी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं टॉपिक वाइज, तो उसको देखना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम पे मैं ये मैसेज भी कर चुका हूँ, ये वीडियो उनके लिए जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, द वेरी बेस्ट फॉर ऑल, कुछ हम बंदे मात्रा में चाहिए।